जिला बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। मरीजों को सीटी स्कैन करवाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सीटी स्कैन करवाने के लिए निजी अस्पतालों या दूसरे स्थानों का रुक करके काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यही नहीं, बिलासपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को बैठने की कोई सुविधा नहीं है और उन्हें बैठने के लिए काफी समस्या उठानी पड़ रही है। गर्भवती महिलाओं का कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें खड़े होकर ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है या जमीन पर बैठकर ही करना पड़ रहा है। महिलाओं का प्रशासन से आग्रह है कि गर्भवती महिलाओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए ताकि गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी कोई समस्या न आए। नाम वंदना कुमारी, मैं सुबह से देख रही हूँ, सुबह से आई हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सुबह से ऐसी ही लाइनें लगी हुई हैं। ना तो यहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेकअप हो रहा है। प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बनाई जाए ताकि गर्भवती महिलाएँ जो भी हैं यहाँ पे, ना तो बैठने को वो है, बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है। हम यही शासन यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे तो या दर होने चाहिए। वहीं चांदपुर निवासी अपना सीटी स्कैन करवाने के लिए बिलासपुर अस्पताल आए हुए थे, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में करवाना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी सीटी स्कैन करवाने आए थे, लेकिन उस समय भी मशीन खराब पड़ी हुई थी। उन्होंने सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। सीटी स्कैन करवाने आया था जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। मैं तकरीबन 2-3 साल पहले भी आया था, तब भी यहाँ पे मशीन खराब है। प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे सीटी मशीन आप ठीक नहीं करवा सकते तो क्या करवा सकते हो। लोगों को सीटी स्कैन करने के लिए भागना पड़ रहा है, यहाँ पे बेचारे गरीब लोग हैं। चलो हम तो करवा ही रहे हैं, लेकिन गरीब लोग हैं वो तो, उन लोगों को तो बहुत मुश्किल हो रही है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल के MSN के भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल की सीटी स्कैन की मशीन 2018 से खराब पड़ी है और इसको ठीक करवाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि इसके खर्चे को लेकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि अगर मशीन ठीक नहीं होती है तो दूसरे जिलों के अस्पतालों की तरह बिलासपुर अस्पताल की मशीन को भी किसी निजी कंपनी को देकर यहां के लोगों को समस्या से निजात मिल जाएगी और लोगों के सीटी स्कैन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ पद खाली होने की वजह से भी समस्या आ रही है, सरकार को इसके बारे में अवगत करवाया गया है। इसके बारे में तो सबसे पहले है कि ये 2018 से जो हमारी सीटी स्कैन मशीन है जो बंद पड़ी है, इसके बारे में इसकी जो मेंटेनेंस जो है उसका खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है। 18-20 लाख रुपए का जो उसका एस्टिमेट बना हुआ, उसके बारे में हमने उस मजदूर विभाग को भेज दिया, उसका बना के लिख भी दिया हुआ है। और दूसरी बात है कि हमने ये भी रिक्वेस्ट किया डिपार्टमेंट से कि अगर ये नहीं चल पाती है किसी बेस पर, जैसे हॉस्पिटल में एक PPP मॉडल बाकी चली हुई है, कर्सना जो कंपनी है जिसने जैसे हमने चलाई है, मंडी में चलाई है, हमने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि प्राइवेट मोड में ये पड़े तो इससे हमारे जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, जनता जो है उनको 24 आवर्स एक फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आपके मन से नहीं ला जाता, हमारे पास एक रेडियोलॉजिस्ट रहते थे, वो अब वो सारसी करने के लिए जो है चल गए हैं, तो ये उसकी पोस्ट हमारे खाली है, तो उसी वजह से भी हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। अल्ट्रासाउंड मशीन है तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज़ यही है कि अगर ऐसे ही गवर्नमेंट के बारे में कोई परमिशन के ऊपर से उसके बेस पर हम आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे।